स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो यार मुझे पता है आप सभी सोचोगे कि मैं कितने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा बिजी, पर कोई बात नहीं। अभी मैंने मुझे ये ब्लॉग तो बनाना था क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ है और अभी मैं आई हूँ मेहंदी लगवा के। तो ये मैंने मेहंदी लगवाई है, आप लोगों की मेहंदी लग गई है यानी ये ज़रूर बताना। और मुझे एक ब्लॉग शेयर करना था, वो था कि मैंने करवा चौथ पर क्या क्या लिया है, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं वो शेयर करने वाली हूँ। और उसके लिए मैं फटाफट से सारा अपना जो भी तैयारी वगैरह है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और प्लीज अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना। तो फटाफट से मैं सामान लगा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मेहंदी अभी ये जस्ट लगा के ही आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले, तो अभी तो ये उतनी डार्क हुई नहीं है, तो मैंने नेहा लगवाई है। तो थोड़ी देर में जब ये डार्क हो जाएगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा फाइनल इसका कलर आता कैसा है। तो मैंने पैरों में भी लगवाई है, वो तो बिल्कुल लाइट है अभी, सुबह ही पता चलेगा। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ सामान शेयर करती हूँ। पहले शुरू करते हैं माता रानी से। तो ये है मेरी माता रानी जो मैं लेके आई हूँ करवा माता। तो मुझे जितना भी यूट्यूब से या मेरे जो भी रखते हैं उनसे पता चला, मैंने उसी हिसाब से सामान मंगाया है। तो ये है करवा माता, और एक मैं माला लाई हूँ डेकोरेशन के लिए, साथ में एक चुन्नी लाई हूँ माता रानी के लिए, और ये है मेरा आसन और साथ में चौकी। तो ये मैंने चौकी वहीं से खरीदी पूजा की दुकान से। तो ये सब मैं लेके आई हूँ, सुबह गंगा जल डाल के इन सबको शुद्ध करके फिर मैं चौकी लगाऊंगी। तो पहले आज ही लगाने वाली थी पर किसी ने मुझसे बोला कि कल ही लगाते हैं, तो इसलिए मैं कल ही लगाऊंगी। अब मैं आपको अपना सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ जो करवा चौथ के लिए है। गाइस सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है करवा चौथ के लिए वो है करवा। तो मैंने ये करवा लिया है, हमारे यहाँ मैंने जितना भी देखा है एक ही करवा लेते हैं जिससे चाँद को जल चढ़ाते हैं, और बाद में इस करवे को या तो सासू माँ को इसमें कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट्स या फिर खिलबतास या फिर वो कोई भी अनाज डाल के दे देते हैं या फिर विसर्जित कर देते हैं, तो वो इससे करते हैं। और साथ में ये है कूस, हमारे यहाँ बोलते हैं और यहाँ इसे सराई बोलते हैं। तो इससे ये बोलते हैं कि इसको चारों दिशाओं में फेंकना होता है सूर्य चंद्र देवता को जल चढ़ाने के बाद। तो इससे बोलते हैं, इससे करने से, सॉरी गाइज बैकग्राउंड में कैंडो कर रही है तो आप इग्नोर करना। तो गाइज़ इससे हस्बैंड की नज़र भी उतरती है ऐसा बोलते हैं जितना मैंने सुना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवा चौथ में यूज़ करना चाहिए। तो एक ये है मेरे पास। उसके बाद मैंने ली है ये वाली प्लेट, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत यूनिक लगी। मैं अगले साल तो एप्पल वाली बनाऊँगी बट इस बार मैं यही यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत सुंदर है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और उसके हिसाब से ली, तो मैंने रेड नहीं है, ये मजेंटा पिंक है और साथ में छन्नी। और मैंने लोटा कोई नहीं लिया, मैंने ये अलग से ग्लास लिया है जो मैं नया लेके आई हूँ जियो से, क्योंकि ये बहुत हैवी और अच्छा था और जो इनके साथ लोटे मिल रहे थे वो बहुत लाइट वेटेड थे, तो मैंने वो नहीं लिया। तो ये है मेरी प्लेट। अब उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको माता के लिए मैंने श्रृंगार के लिए क्या क्या लिया है। तो गाइस मैंने माता के श्रृंगार के लिए लिया है चूड़ियाँ, और उसके अलावा लिया है काजल क्लिप, और ये मंगलसूत्र लिया है, लिपस्टिक ली है, सिंदूर लिया है, मेहंदी, नेल पेंट, रबर और ये चुन्नी। तो इसके अलावा कलावा भी चढ़ाते हैं और दान दक्षिणा, तो 11 चीज़ें हो ही जाएंगी। तो ये मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा सुंदर है, और हाँ मैं ये सारा सामान बाद में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से सामान लिया कि बाद में मैं भी उसको यूज़ कर पाऊँ। तो ये है चूड़ियाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है ये चूड़ियाँ, तो मैंने यही चूड़ियाँ ली। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कल को क्या पहनने वाली हूँ। आई थिंक इतना फिनिश हो चुका है, तो हाँ ये डन है। अब मैं अपना सामान आपको दिखाती हूँ। सामान बहुत इंपॉर्टेंट, सुहाग की निशानी वो है मेरे पिछौड़े। तो जैसा मैंने बताया था ये आया है मेरे मायके से कुछ दिन पहले ही, तो इसको तो मैं यूज़ करूँगी ही। और साथ में ये है मेरे शादी के दिन वाला पिछौड़ा, तो मेरे पास शादी के यहाँ और कोई सामान है नहीं, तो इसलिए मैं इसका भी यूज़ करूँगी शाम को जब मैं अपने पतिदेव की पूजा करूँगी, उस टाइम मैं ये वाला पहनूँगी, और अदरवाइज़ मैं ये, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड और अच्छा भी है, ये थोड़ा हैवी है तो मैं इसको शाम को पहनूंगी। तो नेक्स्ट सामान मेरा ये है। सो गाइज सबसे पहले तो मैंने बनाई है कि सूट जो बहुत ही प्यारी है, इसको सिल्क के कपड़े की सूट है ये, तो इसका दुपट्टा देख सकते हो आप कितना अच्छा इस पर वर्क हुआ है। तो इतना ही देखो अभी, बाकी मैं पहनूंगी तो आप देख लेंगे। तो एक सूट मैंने बनाई है, बाकी जो मेरी दो साड़ियाँ हैं ना वो मैंने अभी रिसेंटली नहीं बनाई है, कुछ टाइम पहले ही बना चुकी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। साड़ी वो है ये जो मैं शादी के टाइम पे बनाई थी और मैं अभी तक एक बार भी नहीं पहन पाई हूँ, इसलिए मैं इसको पहनने वाली हूँ पूजा के टाइम।
और मेरी एक ये बहुत सुंदर साड़ी है जो मुझे टीका लगाते वक्त, तिलक जब लगाते हैं शादी के टाइम पे, तो मेरे ससुराल से मिली थी। और ये साड़ी भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने कोई भी पैसे बर्बाद ना करते हुए ये दोनों साड़ी को यूज़ करने का सोचा। और तो ये दोनों मेरी साड़ी हैं और वो मेरा सूट है। कोई भी ऐसा मतलब नया मैंने कुछ इतना लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी शादी अभी इतना टाइम हुआ नहीं है, तो बहुत सारा सामान था, इस वजह से मैंने इतना कुछ न्यू नहीं लिया। बट जो भी लिया बहुत अच्छा लिया, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ है, तो मैं सामान वेस्ट करने पे इतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं साड़ी पहन भी नहीं पाती हूँ। बाकी मैंने दिवाली के लिए एक लाइट वेट साड़ी मंगाई है, और बाकी मैंने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी ली है, वो मैं आपको फिर कल ही दिखाऊंगी। और अभी के लिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर दें। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। बाय बाय।